वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो जिहड़े सिख संघर्षी योधे जेलां दे विच बैठे आ उन्हां दे कानूनी तौर पर भी चाराजोरी लंबे अरसे तो चल रही है ते नाल दी नाल डेमोक्रेटिक तौर दे उत्ते जिहड़े जतन वह भी आरंभे आ। पिछले दिनां ते श्री अकाल तख्त साहब जी ने ये बंदी सिंघां दे बाबत एक मीटिंग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं करन दा आदेश कीता सी। वह मीटिंग भी हो गई। मीटिंग तो बाद असी प्रधानमंत्री साहब नूं एक चिट्ठी लिखी सी जिहदे विच बेनती कीती सी कि 11 मैंबरी कमेटी तुहानूं मिलना चाहुंदी है, पर 2 महीने हो गए उन्हां दे असी सुनेहे नूं उड़ीक रहे हां पर वह अज तक सुनेहा प्राप्त नहीं हुआ। इस तर्ज ते होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी चिट्ठी लिखी, उन्हों का भी कोई हाले तक सुनेहा नहीं मिला। इस तरह श्री केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री दिल्ली उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी की सी? चिट्ठी सी भी असीं मिल के तुहाडे नाल उन्हां सिख संघर्षी योधिआं बारे तुहाडे नाल बैठ के विचार करनी है, पर उन्हों का भी कोई जवाब नहीं आया। और मैनू यह शर्म ना कहना पै रहा कि जिदन पिछले दिन ही श्रोमणी अकाली दल ने दिल्ली विखे धरना रखिया सी उस धरने तो बाद मैं आप बचाते खुद जथेदार गोविंद सिंह जी लौंगोवाल साहब सबका प्रधान, बीबी जगीर कौर जी सबका प्रधान, सरदार बलविंदर सिंह भोंदड़, सरदार प्रेम सिंह चंदू माजरा, सरदार परमजीत सिंह जी शरणा सबका दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के प्रधान, उन्होंने दरवाजे के उत्ते जाके भी यतन किया कि उन्होंने मिल लीए। पर अफसोस कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जदों सरदार बेअंत सिंह की सरकार सी पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा मिलन गए तो गेट के विच आप खड़े। पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान वो कांग्रेस सरकार वेले गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कोठी तो बाहर खड़े होके उन्होंने उड़ीक रहे सी। पर मैं समझदा ये बाबू केजरीवाल जी ने तो सारिया शर्मा ही लातियां, इंथाह हो गई कि जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान जिहड़ा चुनी हुई संस्था ते नाल मौजे सारे सज्जण होण ते मेन नूं भी आपां एक कदम जतन ना करिए, बहुत शर्म वाली गल दिया। तो इन्हां तों आस भी असीं की रख सकते हैं जिहड़े डेपूटेशन नूं मिलन नूं तैयार नहीं, वह भी उस संस्था दे जिहड़ी डेमोक्रेटिक तौर पर वर्ल्ड वाइड इको एक संस्था है। सो कल श्री अकाल तख्त साहब जी ने फिर जथेदार सामने एक होर हुक्म किया कि हुण आपां इन्हां दे दरां ते नहीं जाके बहना, आपां अपना अरदास बेनती जोदड़ी दे रूप दे विच भी ते संगतां दे विच विचर के भी इन्हां दे बाबत आपां विचारा करिए। सो उन्होंने आदेश किया कि सारे स्कूल कॉलेज ते सारे गुरद्वारा साहिबान ते जिहड़े दूसरे गुरद्वारा साहिबान भी आ सारी दुनिया ते वो संघर्षी योधिआं दीआं तस्वीरां दे नाल उन्हां दी किन्नी किन्नी जेल हो गई आ ते नाल कुछ अपनी अवारत भी लिख के उन्हां महान योधिआं प्रति आपां जिहड़ियां संगतां आउंदियां उहनूं उत्साहित करिए। सो अज असीं हुण जतन कर रहे हां भई इहदा एक आउटलैट जे बना ली जावे, उहदे अकॉर्डिंग भी फिर सारे गुरद्वारा साहिबानां नूं सारे स्कूलां नूं सारे कॉलेजां नूं मेन गेटां दे उत्ते लावांगे तां कि कौम नूं पता लग सके भई इह जे मिलण नूं तैयार नहीं गल सुणन नूं तैयार नहीं ते असीं फिर डेमोक्रेटिक सैटअप दे नाल अपना जिहड़ा उह रोह जाहर करांगे। सो उहनां दा आदेश होया सी उह असीं तुरंत जतन करांगे भई लागू कर दईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।